जमशेदपुर में संवैधानिक अधिकारों से वंचित नागरिकों की आवाज बनेगा अब ह्यूमन राइट्स मिशन। फाउंडेशन डे के मौके पर आज ह्यूमन राइट्स मिशन कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन हिंद आईटीआई निशा अपार्टमेंट में जमशेदपुर प्रेसिडेंट आयशा सिद्दीकी के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें समाज से जुड़े लोगों ने अपनी शिरकत पेश की। ह्यूमन राइट्स मिशन के सदस्य असद नूर द्वारा बताया गया कि आज समाज के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, जिनमें खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार जैसे मुद्दे शामिल हैं। ऐसे लोग जो समाज और सरकार द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, उन नागरिकों के लिए ह्यूमन राइट्स मिशन हमेशा साथ खड़ा रहेगा, साथ ही समाज के सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरूक करेगा। वहीं अपनी बातों में ह्यूमन राइट्स मिशन के सदस्य ने कहा कि ह्यूमन राइट्स मिशन भारत के अधिकतर राज्यों में बहुत पहले से सक्रिय है और ये नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब इसका स्थापना जमशेदपुर में भी किया गया ताकि यहाँ के लोगों को भी उनका अधिकार दिलाया जा सके जो अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। बात सही है, ये तंजीम बहुत पुरानी है। ये है कि हमारे इलाके में इसमें ज़्यादा काम नहीं किया गया, लोग इसको इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब ये वक्त आ चुका है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने इलाके के जो भी दबे कुचले लोग हैं जिनके ऊपर ज्यादतियाँ हो रही हैं और पामाल किया जा रहा है इंसानियत को, उसकी आवाज़ को उठाएं और हुकूमती सतह पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पे लोगों से बात करें कि इनके हुकूक की पामाली हो रही है। इन सब को लेके ये एक नई आवाज़ तो नहीं कह सकते हैं मगर बहुत ज़रूरी आवाज़ थी, जिसका साथ अब लोगों ने देना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह आयशा सिद्दीका की क़यादत में ये आवाज़ उभरेगी। लोगों से मैं इल्तिमास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़े। बेशक सारी तंजीमों को मेरा सलाम है, वो बड़े नाखुशगवार और उसको क्या बोल सकते हैं, बेसर सामानी के आलम में काम कर रही हैं और मुसलसल काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको जजाय खैर दे। मगर उसके साथ साथ उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं काम करने के, दूसरे भी उनके मैदान हैं जिसमें वो ज़्यादा फोकस इस पर नहीं दे पा रही हैं। और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से होगा, ये खास फोकस करेगी सिर्फ इंसानियत सोच जो काम हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से या जो अक्सरियत के तबके की तरफ से या किसी भी तबके की तरफ से, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए हुकूमत से ये गुहार लगाएगी। आज माशाल्लाह इस इलाके के सारे डायनामिक जो एक्टिव एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उसमें जनाब मसीह इकबाल साहब हैं, जनाब सैयद तारिक साहब हैं, काशिफ रजा खान साहब हैं, आदिल मलिक साहब हैं और अब्बास अंसारी साहब हैं और प्रोफेसर आले अली साहब हैं। इन सब लोगों ने अपना वक्त दिया और हिंद आईटीआई के जनाब डॉक्टर ताहिर साहब, ये काबिले मुबारकबाद हैं कि इन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज किया इसको। इंशाअल्लाह क्योंकि ये बहुत कम वक्त के लिए हुआ था, इसलिए अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म कर दें और उसके बाद जब दोबारा कभी होगा तो सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। मैं मोहम्मद असद नूर, जस्टिस एंड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का सदर हूं मैं और आपके बीच काम करने वाला हूं अपना सा सेवक।